गुप्ता एक नए वीडियो के साथ हूँ तो दोस्तों जैसा कि मुझे बहुत से मेरे दोस्तों और बहुत से दूसरे लोगों ने मुझे बोला था कि भाई तुम वीडियो क्यों नहीं निकाल रहे तो भाई इस समय मुझे बहुत सी चीज़ों का प्रॉब्लम हो गया था इसके कारण मैं कुछ वीडियोस नहीं निकाल पा रहा था तो दोस्तों आज मैं एक बहुत सा सी और बहुत मतलब जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ कि भाई मैग्नेट का क्या रीज़न है मतलब उसका अट्रैक्शन और कितने प्रकार के होते हैं कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है कौन सा सबसे वीकेस्ट और यहाँ की सब चीज़ इसमें आपको मिलने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा तो दोस्तों अभी चलिए कंटिन्यू रखते हैं हमारी वीडियो को दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट मैग्नेट होता क्या है दोस्तों मैगनेट एक ऐसी चीज़ है जो एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है जि लेकिन जो उससे संबंधित होता है मान लीजिए ये दो मैग्नेट्स हैं ठीक है तो इन दोनों का जो एट्रैक्शन है ये देखिए इनका जो एट्रैक्शन वो हम देख नहीं सकते लेकिन इनकी एनर्जी बहुत तेज़ रहती है तो ये कहलाता है दोस्तों मैग्नेट दोस्तों मैग्नेट बहुत ही नेसेसरी चीज़ है जो हमारी बहुत सी चीज़ों में यूज होता है अगर हम बात करें हम लोग की नेसेसरी चीज़ें जैसे बच्चों के खिलौने जैसे अगर रिमोट कंट्रोल कार की बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप अगर आपने कभी उस कार को खोल के नहीं देखा है तो अगर कभी आपकी कार टूट जाती है तो एक बार एक बार उसको खोल के ज़रूर देखिए ताकि आपके दिमाग में पता चले मतलब आपको कुछ नॉलेज मिले कि कैसे सिस्टमिंग होती है सब चीज़ों की तो दोस्तों उसके अंदर में क्या मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी मज़ेदार चीज़ें रहती हैं मोटर ये वो तो उसके अंदर आपको अगर कोई भी अगर आप टॉय या कुछ भी खोलते हैं तो उसके अंदर एक ना एक मैग्नेट आपको ज़रूर मिलेगा मेरे भाई तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कौन सा सबसे मैग्नेट के बारे में कुछ डेफिनेशन देता हूँ जैसे ये देखिए दोस्तों ये ये जो मैग्नेट है ये नेड्यूनियम मैग्नेट है दोस्तों आप जानते होंगे कि अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गूगल में भी इसे सर्च करते हैं तो आपको ये आंसर ज़रूर मिलेगा कि दोस्तों नेडूनियम मैग्नेट ड्यूनियम मैग्नेट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव मैग्नेट होता है अगर भाई उसकी पूरी आ, उसकी खींचने की ताकत करीबन एक मीटर तक की रहती है मैं सच बता रहा हूँ आप गूगल में भी इसको देख सकते हैं कहीं पर भी देख सकते हैं और सबसे वीकेस्ट मेरे भाई ये नडूनियम मैग्नेट है ये असली नडूनियम मैग्नेट नहीं है इसको प्रकार है जैसे मान लीजिए बहुत तो सी चीज़ें होती जैसे अगर आप वीकेस्ट मैग्नेट बोलो तो उसके प्रकार होते हैं है ना तो वैसा ये भी एक नेडूनियम मैग्नेट का प्रकार है ये बहुत टाइट होता है ये देखिए ये भी एक नडूनियम मैग्नेट है और सबसे वीकेस्ट मैग्नेट मतलब अगर आप अगर उसको इतने पास भी रखोगे ना तो भाई वो एट्रैक्ट नहीं करने वाला सबसे वीकेस्ट वो होता है बार मैग्नेट जो कि मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध है और ये नाइड्रोनियम मैगनेट भी उपलब्ध है दे। देख सकते हैं कि ये बार मैगनेट बिल्कुल एट्रैक्टिव नहीं होता है दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसमें बिल्कुल ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है इसलिए अगर आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो माफ कीजिए नेडोनीम मैग्नेट लीजिए सस्ता होता है अच्छा होता है अब मैं आपको इसकी ताकत दिखाता हूँ निर्डोनियम मैग्नेट की देखिए अगर मैं इसको एक को इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं मेरे दोस्तों अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ और ये इतने मोटे ग्लास के कवर के भी ये इसे अट्रैक्ट कर लेता है ये देखिए ये देखिए निर्दोनीम मैग्नेट की यही खासियत होती है और अगर मेरे भैया पर अगर आप यही बार मैग्नेट से करोगे तो ये देखिए बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं आ रहा है इसमें कहीं से क्यों क्योंकि जैसा कि मैंने आपको सब चीज़ों में बताया कि ये जो बार मैग्नेट होता है ये बिल्कुल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है मेरे दोस्त तो अगर आप मैग्नेट बाय करने की सोच रहे हैं तो ज़रूर नए मैग्नेट को बाय कीजिए तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के मैंने मैग्नेट का क्वेश्चन क्यों छेड़ा क्योंकि भाई आज की जो हमने वीडियो लाई है तो मैं आज हम मैग्नेट के कुछ ताबड़तोड़ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जो कि बहुत मजेदार होने तो दोस्तों वीडियो को फिर से बोलता हूं कि फिर से लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था मैग्नेट के बारे में दोस्तों जो मैग्नेट होता है वो फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है जैसे उनकी जो बहुत सी एक्टिविटीज़ है जैसे वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर जगह वो मैग्नेट यूज़ किया जाता है तो दोस्तों जो भी बजने वाली चीज़ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ जैसे मान लीजिए अगर आप कोई रिमोट कंट्रोल कार खरीदते हैं जिसमें से एक बीप की आवाज़ निकलती है मान लीजिए जैसे आप रिमोटी कंट्रोल कार की बात करते हैं या फिर आप कोई भी टेलीफोन या कुछ ही की भी बात करते हैं जैसे अपन आवाज़ अपन ले सकते हैं या किसी को दे सकते हैं तो उसमें एक हमेशा मैग्नेट प्रोड्यूस्ड रहता है क्यों क्योंकि भाई मैग्नेट जो रहता है वो एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है जिससे आवाज़ आवाज़ का जो वे रहता है वो यूज्ड होता है जैसे अगर मैं कोई रिमोट कंट्रोल कार की बात करूं तो उसमें जैसे अगर आप उसमें कोई 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 को, कार में हॉर्न का ऑप्शन रहता है तो हॉर्न दबाते हैं तो बीप बीप ऐसा साउंड रहता है तो वो भी मैग्नेटिक की वजह से होता है क्योंकि मैग्नेटिक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन सब साउंड वाली चीजों में तो दोस्तों अब हम बात कर रहे थे नेडिनियम मैग्नेट की दोस्तों नेम मैग्नेट इतना ताकतवर होता है जैसा कि मैंने आपको बताया एक मीटर तक का डिस्टेंस पा सकता है तो आज हम इससे करने वाले मजेदार एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे है मेरे पास एक बहुत ताबड़तोड़ चीज़ जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है एक बहुत ही मज़ेदार सॉल्यूशन दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आप जान पाएंगे कि ये क्या है इस चीज़ को मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि ये क्या है दोस्तों तो इस वीडियो को वॉच टिल एंड करिएगा तो दोस्तों ये जो एक सॉल्यूशन है ये इतना ताकतवर सॉल्यूशन है जो मैग्नेट से रिफ्लेक्ट इफेक्ट करता है जिससे ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ तो दोस्तों ये सॉल्यूशन बना है हमारे स्लाइम से तो दोस्तों आप समझ रहे हो क्या स्लाइम डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा मैं पहले ही एक वीडियो निकाल चुका हूँ जो कि हाउ टू मेक अ स्लाइम तो फटाफट से जाइए उस वीडियो में और बनाइए स्लाइम उसके आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जब आप स्लाइम बना लें तो उसको आपको क्या करना है एक कोई भी एक स्टोरेज में जैसे ये बाउल है तो उसमें आपको ले लेना है तो दोस्तों हमारे जो मैग्नेट होते हैं वो बहुत सी चीज़ों के अंदर रहते हैं जैसे टीवी मान लीजिए स्पीकर मान लीजिए और कंप्यूटर्स मान लीजिए फ़ोन मान लीजिए ऐसे बहुत से अपनी एक्टिविटीज़ में रहते हैं तो दोस्तों ये जो सॉल्यूशन है इसको आप सोच रहे होंगे कि अब मैंने बता दिया है कि ये स्लाइम है तो आप तुरंत वीडियो बैक करके चले जाएं और स्लाइम से करने लगे नहीं मेरे दोस्तों क्योंकि इसमें सिर्फ स्लाइम नहीं है आपको वीडियो को पूरी एंड तक देखना होगा ताकि आप जान सके इसमें और क्या क्या मिला हो सिर्फ इसमें स्लाइम नहीं है अगर आप अगर आप धोखे से इसको स्लाइम समझ बैठे हैं तो दोस्तों वीडियो को पूरी एंड तक देखिए और जानिए इसके अंदर और क्या क्या डाला है मेरे दोस्त तो दोस्तों यहाँ पे है हमारे पास प्रिंटर इंक पाउडर ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज है लेकिन अभी नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगा ये दोस्तों ये ये जो मैग्नेट्स मैंने निकाले हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आपको कुछ नॉलेज गेन करनी है तो बहुत सी चीज़ें जो भी आपकी ख़राब हो गई हैं उनको आपको खोल के देखना होगा जैसे मेरे पास एक प्रिंटर था तो उसको मैंने जब ओपन किया मैंने उसको पूरा ओपन कर लिया उसके बाद मुझे बहुत सा नॉलेज गेन हुआ है और उसके बाद ये देख सकते उसके अंदर से ये पाउडर बाहर आया है जो कि मैंने इसको प्रिंटर पाउडर कहते हैं तो मैंने इसको एक डिब्बे में स्टोर कर लिया है तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत मजेदार है तो चलिए बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की ओर तो दोस्तों ये जो नेडोनियम मैग्नेट है ये भी मैंने प्रिंटर ही से निकाला है दोस्तों ये दोनों चीज़ प्रिंटर ही में निकलती हैं और ये दोनों चीज़ एक ही में निकलती हैं ये दोनों प्रिंटर की कॉटरेज में निकलती हैं दोस्तों तो दोस्तों मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको प्रेफर करना चाहिए क्योंकि भाई जितने भी मैग्नेट होते हैं उनमें दो साइड्स होते हैं एक होता है नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल दोस्तों इन दोनों पोल्स का रहना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं रहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं लेकिन अगर आप नॉर्थ टू तो नॉर्थ करोगे तो वो कभी एट्रैक्ट नहीं करते तो दोस्तों ये नॉर्थ पोल वाला फंडा बहुत मज़ेदार है तो ये इससे क्या होता है कोई भी अगर आप मैग्नेट ले लो उसमें दो साइड जरूर होंगे ज़्यादातर बार मैगनेट्स में जैसे ये है इसमें एक दिया है नॉर्थ पोल एक दिया है साउथ पोल ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट पे बढ़ते हैं ये जो सॉल्यूशन है इसे हमें इस ट्रे में निकाल लेना है तो दोस्तों ये बहुत ग्लिसी है तो हमें इसको निकालना है आप देख सकते हैं इसमें कैसी मजा आ रही है जैसा कि मैंने बताया है ये बहुत मजेदार है वो तो देखिए दोस्तों अब ये इससे अट्रैक्ट करेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये देखिए ये इसे चिपक रहा है दोस्तों देखिए मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ फिर से ये देख ओ ये देखिएगा ये इसे अट्रैक्ट करता है ये देखिए ये देखिए ये इसे चिपकने की ये देखिए दोस्तों ये इसे चिपकने की कोशिश करता है क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्शन लेता है ये देखिए ये पूरा इससे चिपकता है मेरे दोस्तों तो पहले हम इसको पूरा बाहर निकाल लेते हैं मेरे दोस्त तो दोस्तों हमारा स्लाइम का डिब्बा हो चुका है खाली और दोस्तों मैं लास्ट में आपकी सब जानकारी दूंगा लेकिन उससे पहले देखिए ये है हमारा मैग्नेट और ये है वही सॉल्यूशन जो मैंने प्रिपेयर किया तो दोस्तों देखिए ये कैसे अट्रैक्ट करता है मतलब मैं इसे जहाँ ले जाता हूँ ये वहीं अपना अट्रैक्शन पाता ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये देखिए ये, ये इसे खींचने की कोशिश ओ माई गॉड देख सकते हैं दोस्तों अगर आप सोच रहे हो अगर मैं इसको इसमें रख देता हूँ तो क्या अट्रैक्शन बनेगा तो एक बार ट्राई करते हैं ओ ओ माय गॉड देख सकते हैं पूरी तरीके से इसमें चिपक गया है और ये छूटने का नाम नहीं ले रहा देखिए चिपकता जा रहा है मतलब ये देखिए कितना लंबा ये मैग्नेट अपना असर दिखा रहा है ये देखिए तो मतलब मानना पड़ेगा मेरे दोस्त ये सॉल्यूशन बहुत मजेदार है देखिए मतलब किस तरीके से इसमें ये चिपक रहा है मतलब ये छूटने का नाम नहीं ले रहा है मेरे दोस्तों चलिए हम एक पोल से ट्राई करते हैं ये ओ माय गॉड देखिए ये पूरा तरीके से फील्ड हो चुका है इसमें पूरा चिपक गिर गया है दोस्तों देख सकते हैं ये होता है मैगनेट की पावर देखिए कितना दूर लेके जा रहा हूँ लेकिन तब भी एक इसमें पतला सा वो है क्योंकि इसमें मैग्नेट में इफेक्ट करता है देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है और इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम और करते जाते हैं इसी एक्सपेरिमेंट को ओ गॉड मतलब ये मैग्नेट ही चिपक गया एक दूसरे से और भाई इन दोनों मैग्नेट को निकालने के लिए बहुत ताकत लगती है क्योंकि ये आखिर है ही नहीं रीनियम मैग्नेट और अगर देखिए देखिए ये, ये अपने मन से इसको कवर करके फिल कर रहा है अगर मैं इसको भी रख लूँ तो ओ गॉड देखिए ये अपने मन से यहाँ का फिल हो रहा है क्यों क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है उसको देखिए ये अभी पूरा आधा था लेकिन अभी पूरा हो चुका है अरे भाई साहब तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को जरूर क्या ट्राई कीजिएगा क्योंकि अगर आप आग मैग्नेट लवर हैं तो इसको जरूर कीजिएगा क्योंकि मैग्नेट एक ऐसी चीज होती है जो बहुत अट्रैक्टिव होती है दोस्तों दोस्तों अब आ गया है वीडियो का अंत और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो सीक्रेट बात दोस्तों ये जो हमारा इंक पाउडर था तो इसको हमने इस स्लाइम में मिलाया गया है तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ अगर आपने मेरे अगर आपको स्लाइम बनाना नहीं आता है तो जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में और लेके आइए वो लिंक को जिसमें मैंने आपको बताया है कि हाउ टू मेक अ स्लाइम तो उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि कैसे स्लाइम बनाना है उसके बाद अगर आपके पास कोई ख़राब प्रिंटर हो या ये आपको नेसेसरी शॉप्स में भी मिल जाएगा इन दोनों को मिलाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट होता है तो बाय दोस्तों थैंक यू दोस्तों नमस्कार दोस्तों और हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और दोस्तों एक बात आपको बताना भूल गया अगर दोस्तों जैसे कि ये जब मेरे दोस्तों ने पूछा था कि भाई मैग्नेट क्या है डेफिनेशन दो ये वो तो उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो को बनाया था तो दोस्तों अगर आपके मन में भी ऐसे कोई क्यूरासिटी है तो उसका अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं